खबर है यूपी की, जहां यूपी के रामपुर में सपा सरकार के दौरान आजम खां के तबेले से भैंस चोरी होने पर सूबे की पुलिस में हड़कंप मच गया था। 24 घंटे में पुलिस ने भैंसे बरामद करने का दावा किया था, लेकिन अब वही आजम खां गरीबों के तबेले से जबरन भैंसे खुलवाने में फंस गए हैं। आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, एसओजी के एक सिपाही समेत 36 लोगों के खिलाफ कल शाम को शहर कोतवाली में 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि आजम ने यह सब रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए जमीन कब्जाने के लिए किया। इसमें यतीम खाना के बाशिदों के घरों का ढह लगा दिया गया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घोसियान में यतीम खाने की जमीन है। सपा सरकार में जमीन को खाली करवाया गया था, जिस पर आजम खां का रामपुर पब्लिक स्कूल वर्तमान में निर्माणधीन है। पिछले दिनों फैसल लाला यतीम खाने के पीड़ित परिवारों के साथ डीएम और एसपी से मिले थे। यतीम खाना के लोगों ने डीएम एसपी से शिकायत की थी कि 15 अक्टूबर 2016 को ये लोग उनके घर पहुंचे, घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर में घुसकर मारपीट की और जेवर और नकदी को लूट लिया था। आरोपी भैंस भी खोल कर ले गए थे। आरोप यह है कि तत्कालीन सीओ आले हसन खान ने शोर मचाने पर चरस बरामदगी दिखाकर जेल भेजने की धमकी दी थी। इन लोगों का कहना था कि यह जमीन आजम खां की है, जहां स्कूल बनाया जाएगा, इसलिए छोड़कर चले जाओ, बाद में घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। इसके बाद यही आरोप लगाते हुए नन्ने, आसिफ अली और जाकिर अली ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने पहले इन आरोपियों की जांच की और बाद में सभी नामजद आरोपियों को 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, आजम खान के ऊपर भैंसे चोरी और गैर इरादन हत्या के जो आरोप लगे हैं, वो मुकदमे भी दर्ज हुए, क्या है पूरा मामला फैसल भाई? देखिए, यतीम खाने के पीड़ित परिवार, जिनकी लड़ाई में बहुत लंबे वक्त से लड़ रहा हूँ, आजम खान ने इनको साल 2016 में न सिर्फ उजाड़ा था बल्कि इनकी जगह पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया था। ये पीड़ित परिवार लगभग 60-70 साल से वहाँ पे रहते थे। यतीमों के रहने के लिए वो जगह उनको मिली थी और उनके पास किराएदारी की रसीदें और आवंटन पेपर भी थे। इसी को लेकर मैं लंबे वक्त से इनकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। अब जो नया मामला है, इसके अंदर करीब 11 पीड़ित परिवार मेरे पास आए थे, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ ये तहरीर दी थी कि उनके घरों के अंदर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उनके घरों को तोड़ा भी गया और उनकी भैंसें, क्योंकि ये लोग घोसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, भैंस पालने का कारोबार करते हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कहना ये था कि हमारी भैंसें आजम खान की गौशाला को ज़बरदस्ती दे दी गई। साथ ही एक जाकिर नाम का इसमें एक व्यक्ति है जिसकी माँ का नाम शहजादी बेगम है। मैं वजाहत के साथ बता दूँ, वहाँ दो महिलाएँ ऐसी हैं जिनका नाम शहजादी बेगम है। एक 90 साल की उम्र है जो अभी हयात हैं, जिंदा हैं, और एक और शहजादी बेगम है जिनकी लगभग 70 साल की उम्र थी, उनका नाम भी शहजादी बेगम था। जाकिर का कहना यह है कि जब हमारे घर में आले हसन खान जो सीओ सिटी थे, उसके अलावा धर्मेंद्र सिपाही और आजम खान के कुछ समर्थक गुंडे टाइप के लोग अचानक से सहार में घर में घुस आए, उन्होंने मारपीट की, खींचातानी करी, जिससे उनकी माँ को चोट लगी थी और अगले दिन सदमे के चलते उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये तमाम ऐसे मामले थे जिनको लेकर मैं इन परिवारों को पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचा था और उनको ये तहरीरें दी गई थी, जिस पर 4 मामले आज थाना कोतवाली रामपुर के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसमें आजम खान के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ लोगों के घरों में लूटपाट कराई है बल्कि उनके भैंसें भी चोरी की हैं और गैर इरादतन हत्या का मामला भी उनके ऊपर दर्ज किया गया है। अभी आजम खान से इनकी जगहें वापस मिलना बाकी हैं। ये बहुत ही गरीब और पीड़ित परिवार हैं जो बहुत लंबे समय से इंसाफ की गुहार अधिकारियों के आगे पीछे लगा रहे हैं, तो इनको अभी इंसाफ मिलना बाकी है। आजम खान की गिरफ्तारी भी होगी? मुझे लगता है पर्याप्त धाराएं हैं, आजम खान के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आजम खान को अति शीघ्र अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। आजम खान कभी भी इन परिवारों को दोबारा से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजम खान बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं इन सब मुकदमों को दर्ज होने के बाद से, क्योंकि आजम खान की उस वक्त तूती बोलती थी और वो जो चाहते थे वो होता था। आज आजम खान परेशान हैं, लेकिन इसी परेशानी की वजह से वो षड्यंत्र रच रहे हैं
इन परिवारों की जान को खतरा है जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। मैं ये जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि फौरन तौर पर जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं उनकी बस्ती में पुलिस की पिकेट लगाई जाए, वरना उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको जानी और माली नुकसान हो सकता है, और जिसकी जिम्मेदारी आजम खान की होगी, इसलिए आजम खान की गिरफ्तारी फौरन। मेरा नाम जाकिर अली है, मैं यतीम खाना बस्ती का रहने वाला हूँ। ये 15 अक्टूबर 2016 को तकरीबन सुबह 4 बजे हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया गया। तकरीबन 30-40 पुलिस वाले और लोग थे, काफ़ी आलियासन खास सीओ थे और फसाद सानू, इस्लाम ठेकेदार, वीरेंद्र गोयल, ये सब लोग आए और मेरे घर में आकर घुस गए ज़बरदस्ती। मुझे गाली देने लगे, मुझसे बोले ये जगह खाली कर दो, ये जगह जो है टेस्ट के लिए है, आप गरीबों के लिए नहीं है। और ये कहने के बाद मैंने उसका जब विरोध किया तो वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और मेरा सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, मुझे सड़क पर फेंक दिया और मेरी माँ को जो धक्का दिया गया जिससे मेरी माँ को गंभीर चोट लगी और उन्हें गहरा सदमा पहुँचा जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्या अब आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है? आज मुकदमा जब दर्ज करवाने के लिए गए उस समय हमारा किसी ने सुना नहीं, हम जब थाने गए तो लोगों पुलिस ने भगा दिया हमें वहाँ से। अब मेरा थाना मुकदमा जो है दर्ज होने का कराया है, उनके लिए दिया है, हो सकता है हो जाए। अब आप किसके पास आए थे और किसके ज़रिए मुकदमा दर्ज हुआ? हम फैसल लाला के पास आए थे, उनके जरिए हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या आपकी भैंसें भी थी? मेरी 2 भैंसें थी जो आज तक नहीं मिली हैं, वो आजम खां की गौशाला पहुंच गई थी, वो कह के गए थे कि ये भैंसी आजम खां की गौशाला जाएंगी। कितनी भैंसें थी? 8-10 भैंसी थी, उसमें 2 भैंसी अभी मेरी नहीं मिल पाई हैं, बाकी खोल के छोड़ दी थी। तो क्या उसके संबंध में भी शिकायत करी है? उसके संबंध में भी शिकायत करी गई, मेरी भैंसी मुझे वापस दिलाई जाए और मेरा घर मुझे वापस दिलाया जाए। मैं अभी तक नालापार स्थित किराए के मकान पर रहता हूँ, मेरे पास कोई मकान नहीं है। अब आपको क्या उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि मेरे साथ इंसाफ हो और मेरा घर मुझे वापस दिलाया जाए। जाकिर ने कराया है और ये जाकिर और आशिफ अली हैं, इन्होंने मुकदमा कराया है। आशिफ अली की एक भैंस थी, दो थी जाकिर अली की भैंसें। ये भैंसें इनका कहना है कि हमारी ये भैंस कुछ मारपीट हमारे साथ की, इन लोगों ने हमारा मकान भी छीन लिया, आवास जगह भी छीन ली, इस तरीके की इन्होंने ब्लेम लगाई है, जिसमें 327, 506, 304, 448, 452 और 395 का मुकदमा हालूर का, ये मुकदमा पंजीकृत। हाँ, इसमें ये है कि इसमें मोहम्मद आजम खां, आली हसन और शानू उर्फ शानू वाले 20 से लेकर 25 लोग और हैं अज्ञात में है, उन सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।